केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक के प्रभारी के रूप में दायित्व दिया है और ये मेरा सौभाग्य है कि कर्नाटक में कर्नाटक के प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर के काम करूंगा। पार्टी के संगठन को बूथ तक और मजबूत करना, सारे के जो हमारी बैठकें होती हैं बूथ स्तर से लेकर के मंडल और जिले और प्रदेश की बैठकें एक निश्चित एजेंडा के तहत हो, पार्टी की विचारधारा नीचे तक पहुँचे। इसके साथ साथ जो गांव गरीब किसान के मसीहा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार प्रसार करना जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले। उसी के साथ साथ प्रदेश में यहाँ के SSC मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, हर वर्ग को जो ध्यान दे रहे हैं, उन योजनाओं को भी नीचे तक उसका प्रचार प्रसार करना पार्टी के माध्यम से, जिसे एक उपलब्धियों को भी प्रचार प्रसार करना और जन जागरण के माध्यम से लोग जो योजनाएं उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके, यह मुख्य रूप से तीन काम हम यहाँ पे प्रभारी के रूप में पार्टी के संगठन के साथ मिल करके यह काम करेंगे। अभी तो अभी कल प्रदेश कार्य समिति है, प्रदेश कार्य समिति अभी कोर ग्रुप की बैठक भी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा और तब चर्चा करके ही मैं कुछ बता सकूँगा। और कोर कमेटी में भी बहुत सारे हम लोगों के सामान्य रूप से मिलते हैं, मिलकर के बहुत सारे संगठन से लेकर के राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कर्नाटक पहले भी कई बार आया हूँ, करीब 10 जिलों का प्रवास किया हूँ। कर्नाटक के कार्यकर्ता बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं और कर्नाटक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी, संगठन के दृष्टि से भी कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह पूरा साउथ इंडिया का जिसे कहते गेटवे है और कर्नाटक में जब पार्टी का काम अच्छा होता है, कर्नाटक में सरकार रहने से अन्य जो साउथ के जो राज्य हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का और संगठन मजबूत होता है, यही मुझको कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, यह जो है जो भी है ये हमारा तो कॉन्फिडेंशियल है, हम जो चर्चा करें उसका चर्चा करें, मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं करेंगे। आज का एजेंडा जो भी हो प्रदेश का नेतृत्व बताएगा, प्रदेश का मीडिया बताएगा, प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं वह बताएंगे। पहली बार